हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी चिली पनीर की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बनाना बहुत ही आसान है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। आज हम बनाएंगे घर पे, तो चलिए देखते हैं कि इसको बनाना कैसे है। मैं 300 ग्राम पनीर ले ली हूँ और इसको क्यूब्स में कट कर ली हूँ। थोड़े से बड़े बड़े टुकड़े हैं, क्योंकि चिली पनीर में पनीर जो थोड़ा सा बड़ा रहता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए इस तरीके से। और अब इसमें 2 चम्मच भर के मैदा और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर को डाल देंगे। इसको अच्छे से कोट करना है, इसलिए 2-2 चम्मच। और अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट है ये, और 1/2 चम्मच के लगभग कुटी हुई काली मिर्च है, स्वाद के अनुसार नमक और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च है ये। और इन सभी को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और इसको कोट होना है। पानी उतने ही डालें जितने में ये अच्छे से कोट हो जाए, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है और ना ही कोई घोल बनाना है। ये आप देख ही रहे हैं वीडियो में कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ। बस इधर मैं कढ़ाई में ऑयल मेरा गर्म हो चुका है, और बस अब एक एक करके इसको कढ़ाई में डाल देंगे। ये देखिए, थोड़ा सा दूर दूर, ताकि आपस में चिपके भी नहीं और आसानी से फ्राई भी हो जाए। हम लोग मार्केट में खाने जाते हैं तो 180 रुपये 200 रुपये प्लेट देते हैं, और पनीर का जो पीसेस रहता है वो बिल्कुल मतलब 6-7 बस, इससे ज़्यादा नहीं। और घर पे बनाइए, ये सिर्फ 100 रुपये का पनीर है, और देख ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा है। और बस इसको उलट पुलट के गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये बहुत ही क्रिस्पी है। और जो थोड़ा और बचा है इसको भी इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। और बस अब ये हो चुका है, इसको भी निकाल लेंगे। इसको बनाना बहुत ही आसान है, आप जब चाहे तब अपने घर में बना सकते हैं इसको। चलिए अब गैस में फिर से मैं उसी पैन को रखी हूँ, और उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के 1 चम्मच कटा हुआ लहसुन, 1 चम्मच कटा हुआ अदरक, 2 हरी मिर्च है बारीक कटा हुआ, इन सभी को अच्छे से फ्राई कर लेंगे जिससे इसका कच्चापन निकल जाए। थोड़ा सा शिमला मिर्च और ढेर सारा प्याज इस तरीके से क्यूब में कटा हुआ, और इसको मैं अच्छे से ओपन कर ली हूँ उसका। और बस जैसे ही थोड़ा सा भुन जाएगी तो इसमें 1 चम्मच भर के सोया सॉस और 3 से 4 बड़े चम्मच एक केचप है और 1 चम्मच विनेगर, इन सभी को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें भी मैं स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और इन सभी को अच्छे से भून लेंगे। केचप जो है ना थोड़ा भुन जाता है और अच्छा लगता है। और अब मैं इसमें 2 चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर को घोल बना के इसमें डाल दूँ, जिससे जो ग्रेवी हमारी है वो बहुत अच्छी बने और थोड़ी सी थिक हो जाए। और थोड़ा सा इसमें और पानी ऐड करेंगे। अब मैं इसमें स्प्रिंग अनियन है, ये ग्रीन पार्ट है उसका, उसको थोड़ा डाल दी हूँ। और इसमें आप पनीर को ऐड कर देंगे, और देखिए आप देख ही सकते हैं कि कितना कलरफुल दिख रहा है ये और कितना टेस्टी लग रहा है ना, रेस्टोरेंट की जैसा। घर पे बन के झटपट से रेडी हो गया, आप इसको जब चाहे तब बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है ये। ये देखिए, अब जितना आपको टेस्टी दिख रहा है ना, बिल्कुल उससे भी ज़्यादा टेस्टी ये खाने पे है। बस अब इसको एक प्लेट में निकाल के सर्व करेंगे, और मैं ऊपर से इसके ऊपर स्प्रिंग अनियन थोड़ा और डालूँगी, जिससे देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखे। ये देखिए कितना टेस्टी दिख रहा है ये। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।